जी 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 बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए नेताओं से लेकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। हालांकि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का ये न्योता अस्वीकार कर दिया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं नजर आएगा, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार निशाना भी साध रही है। इस बीच बिहार के गया में पहुंचे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त से जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समारोह का होना अच्छी बात है, मैं जरूर जाऊंगा। जी 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 बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। संजय दत्त अपने पितरों के पिंडदान के लिए बिहार के गया पहुंचे थे। संजय दत्त ने विष्णुपद मंदिर प्रांगण में अपने पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर तर्पण किया। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त भी एक जाने माने अभिनेता और सांसद थे। सुनील दत्त का निधन 25 मई 2005 को हुआ था। आपको बता दें कि अभिनेता संजय दत्त इससे पहले भी साल 2016 में गया पहुंचकर अपने पितरों का पिंडदान किया था। माना जाता है कि गया में पिंडदान का खासा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार बिहार के गया को पितरों की मुक्ति के लिए शीर्ष तीर्थ स्थल माना गया है और ऐसे में यहां अपने पूर्वजों और पितरों का पिंडदान करने से उस व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 दिसंबर गया दौरे के दौरान संजय दत्त ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त भी राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने की बात कही थी और पिंडदान के बाद मंदिर से बाहर निकलते वक्त भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। अयोध्या जाएंगे रामलला? जाएंगे जरूर, क्यों नहीं जाएंगे यार। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से करीबन 7,000 से ज्यादा आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बॉलीवुड के सिने स्टार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी, मोहनलाल, धनुष, ऋषभ शेट्टी, मधुर भंडारकर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभाश और यश को भी निमंत्रण भेजा गया है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या में खासी तैयारी चल रही है। इन तैयारियों को आपको दिखाने के लिए दी लल्लन टॉप की टीम भी अयोध्या धाम पहुंची है, जहां से लगातार आपके लिए ग्राउंड वीडियो हमारे चैनल लल्लन टॉप पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम उपासना है और आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।